और भाई साहब शिंचन पिंचन भाई क्या हाल चाल है तुम लोगों के। अरे फैमिली हमारे तो बढ़िया है यार। वैसे आज तुम वापस से कपड़े पहन के कहाँ जा रहे हो यार? भाई वापस से यार मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है और मेरे सोर्सेस से सूत्रों से पता चला है कि भाई कुछ और गाड़ियां भी हैं गाइस जो कि डिफरेंट लोकेशंस पर दबी हुई है जमीन के नीचे। अरे तो उन गाड़ियों को लेने जा रहे हो क्या? बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल, आज मैं गाइस उन्हीं गाड़ियों को लेने जा रहा हूँ और लाकर भाई उनको मस्त वाला रिपेयर करा के भाई बहुत ही तगड़े में मैं बेचने वाला हूँ। अरे वैसे पिछली बार वाली गाड़ियों का क्या हुआ? पिछली वाली बार वाली गाड़ियां मैंने साइमन के शोरूम पर रखवा दिए गाइस, और साइमन जैसे यार उसको खरीदने वाले मिलते हैं वो मेरे को कॉल करके बताएगा। अभी तो फिलहाल गाइस चलते हैं यार आज का जो भी हम लोग सीन करने वाले हैं। एक्चुअली में गाइस आज मेरे को बताया है लेस्टर ने कुछ दबी हुई गाड़ियों के बारे में। पिछली बार तो तुम लोगों को याद होगा यार ट्रेवर ने मेरे को बताया था, बट इस बार गाइस बताया है लेस्टर ने। वो वाली मेटल डिटेक्टर वाली मशीन लेस्टर को भी मिल गई है, पता नहीं यार मेरे को क्यों नहीं मिली वो मशीन। फिलहाल तो गाइस मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, उस वाली मेटल डिटेक्टर मशीन से ये पता चला है कि जो लॉस सैंटोस का जो साइड वाला एरिया है जहाँ पर बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और थोड़ा सा जंगल वंगल टाइप का एरिया जहाँ पर है गाइस, और समुद्र के किनारे वाला एरिया स्पेशली जहाँ पर कुछ लोग कैंपिंग वगैरह के लिए जाते हैं, वहाँ पर एक दबी हुई गाड़ी उनको मिली है। अरे क्या बात कर रहे हो यार, दबी हुई मस्त एकदम गाड़ी? हाँ मस्त एकदम चकाचक दबी हुई गाड़ी है गाइस, उसको जाकर निकालेंगे अपने टो वैन में खींच के ले जाएंगे लॉस सैंटोस के कस्टम शॉप पर और फिर गाइस उसको मस्त वाला रिपेयर करके भाई एकदम तगड़े वाले प्राइस में बेचेंगे। वैसे भाई तुम लोग भी आना चाहते हो तो आ सकते हो यार। अरे फैमिली रुको रुको यार मैं भी आऊंगा। और भाई साहब कल भी मैं भी आऊंगा। और मैं भी यार। तो जल्दी आओ भाई, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं भाई, आज के आज मुझे दोनों की दोनों गाड़ियों को फटाफट एकदम रिपेयर करवा के सामन के यहाँ पहुँचाना भी है, इसलिए जल्दी आओ। भाई पिंचन के बच्चे कहाँ रह गए थे? तू सारे के सारे तो आ गए, तू ही रह गया है। अरे यार मुझे सूसू लग गई थी। अब एक बात बताओ यार, जब तुम लोगों को मैंने बुलाया नहीं था, जब तुम लोग खड़े होकर बातें कर रहे थे तब तेरे को सुसू नहीं आई थी? अरे नहीं यार तब मेरे को सुसू नहीं आई थी, और जैसे ही तुमने बुलाया तभी सुसू आ गई। अच्छा वैसे गाइस जो भी हो यार फटाफट से अभी हम लोग इस वाले ट्रक को लेकर चलते हैं। वैसे तुम लोगों को याद ही होगा यार इस वाले ट्रक के बारे में, काफी ज्यादा खतरनाक ट्रक है ये। ट्रक मैं किराए से लाया हूं, मतलब किराए पे लाया हूं साइमन की शॉप से, और गाइस ये है काफी ज्यादा बढ़िया वाला टो ट्रक। और इस वाले टो ट्रक की हेल्प से गाइस हम लोग पिकअप करेंगे गाड़ियों को, और भाई सीरियसली में ये बहुत ही ज्यादा तगड़ा ट्रक होता है गाड़ियों को पिकअप करने के लिए। जैसे तुम लोगों को मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अरे दिखाओ दिखाओ बिल्कुल दिखाओ। जैसे अब ये वाली गाड़ी है, अबे रुक जा दो मिनट। अरे ये गाड़ी रुकती क्यों नहीं है यार? अरे यार किसी रेड लाइट वाली गाड़ी से उठा लेना। ठीक है रुक जा, इसको पहले ठोकने दे। चलो भाई इसका ड्राइवर बेहोश। अब देखो गाइस मान लो इस वाली गाड़ी को मुझे पिकअप करना है, तो सबसे बढ़िया ट्रिक है गाइस इसका ये जो पीछे की साइड तुम लोग देख सकते हो हुक है, इसको ले जाना है गाड़ी के पास, फिर उसके बाद इस हुक को करना है नीचे और कर देना है एकदम बढ़िया से अटैच। तो तुम लोग देख सकते हो गाइस क्या ही मस्त गाड़ी अटैच हो चुकी है, और इसको हम लोग इजिली ले जा सकते हैं जहाँ पर भी हम लोग ले जाना चाहते हैं। ऐसे मान लो हम लोग अभी कस्टम शॉप ले जाना चाहते हैं तो इजिली ले जा सकते हैं, और यही नहीं गाइस मान लो गाड़ी को ऊंचा टांग के ले जाना है तो ये देखो ऊंचा टांग के भी ले जा सकते हैं, नीचे भी करके ले जा सकते हैं, और सिंपली इसे छोड़ भी सकते हैं। भाई बहुत ही तगड़ा है ये ट्रक। अरे हाँ यार खतरनाक है ये तो एकदम। चलो गाइस इसी वाली ट्रक की हेल्प से आज हम लोग बहुत सारी गाड़ियों को ठीक करने वाले हैं और बहुत ही ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं गाइस। अरे वैसे यार ये कहाँ पर मिलेंगी दबी हुई गाड़ियाँ? हाँ तो ये गाइस दबी हुई गाड़ियाँ मिलेंगी हम लोगों को लॉस सैंटोस का मैंने बताया, जहाँ पर थोड़ा जंगल टाइप का एरिया है। अरे जंगल वहाँ पर तो शेर भी मिलने के चांस है। हाँ चांस तो है। अरे यार साथ में बंदूक बंदूक लाए हो कि नहीं? क्यों? अरे शेर ने मान लो हमला कर दिया तो क्या करेंगे? अबे तब की तब देखेंगे गाइस, फिलहाल तो वो देखो यार सामने उधर की साइड जो तुम लोगों को पहाड़ दिख रहा है, हम लोगों को उधर की साइड वाले पहाड़ पे जाना है। अभी फटाफट से हम लोग निकलते हैं उधर की साइड। फिलहाल तो गाइस यार तुम लोग देख सकते हो अपने इस टो ट्रक को भगाते हुए हम लोग फाइनली पहुंचने वाले उस पहाड़ की तरफ। और वैसे गाइस जो लेस्टर का घर है यार वो इधर की साइड ही है, और भाई इस ट्रक को चलाना यार अपने आप में काफी ज्यादा बड़ी बात है, ये देखो यार कितना हैवी ट्रक है। हाँ तो गाइस मैं कह रहा था लेस्टर का जो घर है वो इधर की साइड ही है, और शायद इसी वजह से उसे इधर की साइड ही वो ट्रक मतलब गाड़ियां दबी हुई मिली है। अभी हम लोग गाइस चलते हैं, हम लोगों को शायद राइट में जाना है, ऊपर की साइड जो पहाड़ है ना गाइस इधर की साइड तो तुम लोगों को अभी पेड़ वेड़ कम दिख रहे होंगे, बट जब हम लोग दूसरी साइड जाएंगे तब भाई पेड़ों के झुंडे झुंड मिलने वाले हैं और काफी घने जंगल भी देखने को मिल सकते हैं। अरे उधर कोई रनवे भी है क्या? रनवे एयरपोर्ट वाला? अरे हाँ यार। क्यों भाई? अरे क्योंकि अभी उधर एक प्लेन उड़ के गया। अबे प्लेन तो हवा में भी उड़ता है, तो क्या हवा में भी रनवे होता है? अरे यार मतलब फिर भी यार होगा क्या पता। नहीं उधर कुछ भी नहीं, उधर सिर्फ समुद्र ही समुद्र है यार। अभी गाइस हम लोग इधर पहाड़ पे चढ़ना शुरू करते हैं और चलते हैं यार अपने सबसे पहली दबी हुई गाड़ी को ढूंढने के लिए, जो कि आई थिंक मुझे मिलेगी एक
किसी पेड़ के नीचे। लेस्टर ने भाई मुझे सबसे पहली गाड़ी के बारे में बताया है, वो किसी पेड़ के नीचे मिलेगी गाइस। ओ भाई माउंटेन लॉयन है यहाँ पर। अरे बच के यार इससे। ओ गाइस वो अपनी शांति से जा रहा भाई, उसको हम लोग छेड़ेंगे वड़ेंगे नहीं। तो हाँ कहाँ कह रहा था मैं? अरे तुम कह रहे थे एक पेड़ के नीचे। हाँ गाइस उसने कहा था किसी घने से पेड़ के नीचे मिलेगी पहली गाड़ी। तो चलते हैं, कौन से पेड़ के नीचे मिलेगी? एक सेकेंड, यहाँ पर काफी सारे पेड़ है यार। मैं कह नहीं रहा था एकदम घने जंगलों वाला एरिया है गाइस। अरे मुझे को तो डर लग रहा है यार एक और शेर ना आ जाए। और ये देखो गाइस घना पेड़ और पेड़ के नीचे गाड़ी। मैं कह नहीं रहा था तुम लोगों को। अरे यार यही है क्या वो पेड़? हाँ भाई देख रहा कितने सारे घने घने पेड़ है, और ये वाली झाड़ कितनी ज्यादा घनी है। और गाइस इसी के नीचे देखो वो गाड़ी दबी हुई है। क्या ही बुरी तरीके से दबी हुई है यार ये। और कौन सी गाड़ी है ये? अरे मुझे क्या पता। चलो गाइस पता करने की कोशिश करते हैं। लोगो देख के तो ग्रोटी लिखा हुआ है। अच्छा ग्रोटी की कोई गाड़ी है क्या? ग्रोटी कौन सी कंपनी है? पता नहीं गाइस, होगी कोई, मुझे लगता है किसी की पेरेंट कंपनी, मतलब किसी की कोई दूसरी कंपनी होगी, मतलब इसकी कोई पेरेंट कंपनी कोई और कंपनी होगी। अरे क्या करे यार कुछ समझ नहीं आया। मैं कह रहा हूँ मैं कि ये किसी और कंपनी की गाड़ी हो गई और जिस पे ग्रोटी लिखा हुआ है। अरे अब समझा मैं। वैसे गाड़ी आगे से तो देखने में गाइस थोड़ी बढ़िया लग रही है, लैम्बोर्गिनी टाइप लग रही है। काम करते हैं इसको बाहर निकालते हैं पूरा। अरे चलो चलो यार। भाई साहब यार कल बाहर निकल, तू क्या गाड़ी का पूरा दर्शन कर रहा है? मैं करने पड़ते हैं भाई दर्शन, क्या पता कोई और से गाड़ी निकल आए। ओके गाइस अभी फटाफट से ट्रक को लेकर चलते हैं पीछे। कम ऑन इजी इजी भाई, पहाड़ पे से ले जाना इस ट्रक को बहुत ही मुश्किल होने वाला है गाइस, बट हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। और भाई साहब खींच के निकाल लिया गाइस गाड़ी को। ओ भाई क्या गाड़ी है, लेकिन दरवाजे पूरे उड़ गए हैं यार इसके तो। अरे कोई नहीं यार हम लोग लगवा लेंगे। हाँ गाइस हम लोग दरवाजे लगा लेंगे एकदम बढ़िया तरीके से, लगा लेंगे क्या लगवा लेंगे। और फटाफट से इसको लेकर चलते हैं यार। टो ट्रक के भी बस की बहुत मुश्किल बात है ये। अरे यार टो ट्रक पलटा अपना। गाइस यार लाइक मारो यार, टो ट्रक सीधा हो जाए ताकि अपना। ओ भाई नीचे कहाँ जा रहा हूँ मैं? अरे ब्रेक मारो। भाई पहाड़ पे से टो ट्रक चलाना इतनी भी आसान बात नहीं है। गाइस फाइनली टो ट्रक से सीधा हो गया, लेकिन ये गाड़ी छूट गई हमारे चंगुल से। फिर से इसको अटैच करते हैं। अरे हो जा अटैच। चलो हो गई क्या अटैच? हाँ गाइस अब हो गई है। इस बार हम लोगों ने थोड़ा उल्टा अटैच किया, अब ठीक है यार, अब हम लोग इसको इजीली ले जा सकते हैं। अरे संभाल के यार। ऐसे गाइस तुम लोग फटाफट से जाकर यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, ताकि यार इस ट्रक को हम लोग जल्द से जल्द लेकर यार लॉस एंड टॉक्स कस्टम शॉप जा सके और इसको मस्त वाला रिपेयर करवा सके। अरे हाँ गाइस यार वीडियो को 30,000 लाइक तक पहुंचाओ। हाँ गाइस अभी के अभी जाकर वीडियो को 30,000 लाइक तक पहुंचाकर चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। ओ भाई प्लीज 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 दोबारा मत पलटियो। ओ भाई पहाड़ पे ये टो ट्रक चलाना सच में गाइस बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा काम है, बट फिर भी गाइस हम लोगों ने ये डेयरिंग दिखाया और इस ट्रक को फाइनली हम लोग रोड की तरफ लेकर आने वाले हैं। अरे मजा आ गया यार, ये गाड़ी तो मेरे को काफी ज्यादा महंगी वाली लग रही है। हाँ गाइस गाड़ी तो मेरे को भी महंगी लग रही है यार, और आई थिंक इसका अपने को बढ़िया प्राइस मिल सकता है। अभी तो फिलहाल इसको चलते हैं आजू बाजू की किसी लॉस सैंटोस कस्टम शॉप पर, यही कोई कस्टम शॉप होनी तो चाहिए, उधर ही निकल लेते हैं। गाइस ये जो कस्टम शॉप है गाइस ये बहुत दूर था वहां से जिधर से हम लोग आए, वो देखो यार उधर की साइड पहाड़ था और इधर की साइड वो कस्टम शॉप है। और गाइस हालत खराब हो गई गाड़ी को यहाँ तक लाने में, बट फिर भी गाइस फाइनली हम लोग लेकर बस जस्ट पहुंचने वाले हैं। जो कस्टम शॉप है वो एक्चुअली में नीचे है क्या? ओ भाई ये कैसा एरिया है गाइस, बिल्कुल अलग ही जगह है यार, यहाँ पर शायद मैं पहली बार आ रहा हूँ। अरे हाँ यार मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है। एक सेकंड, ये लॉस सैंटोस कस्टम शॉप कम नाला ज्यादा लग रहा है। अबे हाँ भाई ये तो नाले में ही लेकर आ गया, गलत जगह घुस गया यार मैं। अरे यार अब वापस ले चलो। फाइनली गाइस अब जाकर हम लोग सही लॉस सैंटोस कस्टम पहुंचे हैं। ये रही गाइस असली वाली लॉस सैंटोस की कस्टम शॉप। तो हम लोग गाइस यहाँ पर लेकर जाना था गाड़ी को। अरे लेकिन गाड़ी तो छुटा लो यार पहले। हाँ गाइस सबसे पहले तो गाड़ी इसके अटैच से छुटाते हैं, डी अटैच करते हैं और फिर इसको लेकर चलते हैं गाइस इस कस्टम शॉप पे। भाई हालत खराब हो गई यहाँ तक लाते लाते, बट फाइनली गाइस लाने में हम लोग कामयाब रहे। चलो गाइस लेकर चलते हैं। अरे खोल दो भाई गेट। गाड़ी अपनी आ चुकी है गाइस और मैंने पूरा का पूरा इसको रिपेयर करवा दिया है। अब बारी है गाइस इसका कलर करवाने की। भाई कलर एकदम बढ़िया सा कर दो यार। अब भाई बढ़िया सा कलर करना है। ठीक है सर बताइए आप कौन सा कलर चाहते हैं? भाई बिल्कुल अलग ही जो किसी का भी ना हो। अच्छा अच्छा समझ गया मैं। ओके सो गाइस जो गाड़ी है मैंने यहाँ पर करवा ली है फुल्ली अपग्रेड, और अपग्रेड के बाद क्या लग रही है भैया? अरे फैमिली की वही गाड़ी है क्या जो अंदर लेकर गए थे? तो वही गाड़ी। और गाइस क्या कलर किया है इसने? ओ भाई सच में ऐसा कलर नहीं करवाया होगा यार पूरे लॉस सैंटोस में किसी ने। ओ भाई क्या ही कदर लग रही है गाइस इस वाली गाड़ी के लिए। यार तुम लोगों को लाइक करना ही पड़ेगा। अरे जाओ यार तब तक हम लोग यहीं पर है, तुम इस गाड़ी को घर पे रख कर आओ। ठीक है यार ठीक है। गाइस यार तुम लोग यार इस गाड़ी के लिए एक लाइक तो करना ही पड़ेगा। गाइस सच में यार क्या ही तगड़ी गाड़ी है।
है। वैसे मैं सोच रहा हूँ पहली गाड़ी इतनी तगड़ी है तो दूसरी गाड़ी जिसको हम लोग गाइस रिपेयर करवाएंगे वो कैसी होने वाली है यार। भाई साहब यार मेरे से इंतजार नहीं हो रहा है यार, एक काम करते इसको फटाफट से घर पे रख के आते हैं और फिर आते हैं यार वापस से दूसरी गाड़ी लेने के लिए। गाड़ी को लेकर गाइस फाइनली पहुंच चुका हूं मैं अपने घर की तरफ और ये रहा अपना गैरेज। फिलहाल गैरेज में क्या ही रखना है इसे, नहीं नहीं गैरेज में ही रख देते हैं। चलो गाइस इसको घुसाते हैं अपने गैरेज में इधर साइड में भाई, क्योंकि एक और गाड़ी में लेकर आने वाला हूं, यहां पर रख देते हैं बढ़िया से। अभी दूसरे की गाड़ी छीननी पड़ेगी यार, क्योंकि वापस मुझे शिंजन बिंजन और चौप के पास भी तो जाना है। शर्मा जी नहीं छोड़ के गए हैं आज अपनी कोई गाड़ी, तो रस्ते से उठानी पड़ेगी। एक गाड़ी आ तो रही है। हेलो सर रुक जाइए 2 मिनट, मेरे को आपकी गाड़ी की सख्त ज्यादा जरूरत है। अरे क्यों यार क्यों, तुम्हें हॉस्पिटल जाना है क्या? हॉस्पिटल से भी जरूरी? अरे ऐसा कहाँ जाना है तुम्हें? सर एक्चुअली में मुझे जाना है जंगल, इसलिए आप प्लीज उतरिए। जंगल जाना है तो चलो यार हम भी थोड़ा घूम लेंगे। टकले तेरा मुंह तोड़ दूंगा, निकल यहाँ से तू भी। मैं तो ना निकलता, ये मेरी ही गाड़ी है। तेरी ऐसी की तैसी भाई साहब, लंबी दाढ़ी वाले निकल यहाँ से। भाई मेरी गाड़ी है मेरी गाड़ी करके अपनी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, हिल नहीं रहा यार गाइस, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। फटाफट से गाइस हम लोग शिंचन के पास चलते हैं, इसकी वजह से मैं गलत डायरेक्शन में भी निकल गया, मेरे को इधर जाना यार। चलो गाइस फटाफट से निकलते हैं शिंचन बिंचन और चौप के पास वापस। फाइनली गाइस पहुंच चुका हूं यहां पर मैं वापस से लॉस सैंटोस कस्टम शॉप, और ये भाई तुम लोग अभी तक इंतजार कर रहे हो मेरा? अरे हाँ यार दूसरी गाड़ी भी तो लानी है, जल्दी जल्दी चलो मजा आएगा, अब इंतजार नहीं होता। अरे हाँ यार चलो मैं भी बैठता हूँ, जल्दी बैठ पिंचन। गाइस चलते हैं यार वापस उन्हीं पहाड़ों की तरफ, क्योंकि भाई जो दूसरी गाड़ी है वो भी हम लोगों को इधर पहाड़ों की तरफ ही मिलने वाली है। तो जल्दी से चलते हैं और लेकर आते हैं, देखते हैं गाइस पिछली बार तो हम लोगों को कई ग्रोटी वाली गाड़ी मिली थी, इस बार देखते हैं भाई किस कंपनी की गाड़ी मिलती है। लंबोगली वंबोगली मिल जाए तो और ज्यादा मजा आ जाए, या फिर कोई बुकाटी। अरे हाँ यार सही कह रहे हो, बुकाटी लेवल की मिल जाए तो और भी ज्यादा मजा आ जाए यार, क्योंकि गाइस सबसे ज्यादा महंगी इधर रोल्स रॉयस और बुकाटी, बुकाटी तो रोल्स रॉयस से भी ज्यादा महंगी मिलती है। देखते हैं गाइस कभी हमें बुकाटी मिलेगी कि नहीं ऐसे जमीन के अंदर दबे हुए, शायद किस्मत अच्छी रही तो कभी मिल भी जाए। वैसे गाइस तुम लोग बताओ यार तुम्हारी फेवरेट सुपर कार कौन सी है? अरे हाँ गाइस कमेंट में जरूर बताना यार। लाल तो चलते हैं दूसरी ब्यूरेट कार को निकालने के लिए। दूसरी गाड़ी के लिए भी गाइस हम लोगों को वापस उन्हीं जंगलों में आना पड़ा है और उन्हीं शेरों से भिड़ना पड़ेगा लगता है। अरे यार वापस शेर मिला तो इसको तो मैं समझा दूंगा कि हमारे रास्ते में बार बार ना आए। अच्छा इतना ज्यादा तू बहादुर है? अरे बिल्कुल यार हल्के में ले रहे हो क्या? वैसे भाई तू सही कह रहा था यार, इधर कोई सच में एयरपोर्ट वगैरह है क्या? वो देखो गाइस एक प्लेन, वो देखो गाइस दूसरा प्लेन, वो देखो गाइस तीसरा प्लेन, भाई तीन तीन प्लेन उड़ रहे हैं इधर। अरे वही तो, अब बताओ यार अब क्या हवा में प्लेन उड़ता है कि तो क्या रनवे होता है हवा में? भाई मेरी लाइन तू मेरे पे ही चेप रहा है, चुप हो जा तू शिनचैन। अरे ठीक है यार अब चलो ढूंढो गाड़ी, ये वाली गाड़ी कहाँ मिलेगी? ये वाली गाड़ी मिलेगी जहाँ पे लोग कैंपिंग करते हैं, और उधर की साइड कैंपर भी होंगे दो चार, उनसे पूछ लेंगे या फिर देखते हैं गाइस क्या पता हमें अपने आप ही मिल जाए। ओके इधर ही शायद हम लोग को आना था। अरे चलो चलो यार ढूंढते हैं मिली जाएगी। वैसे पहली वाली ढूंढना ज्यादा मुश्किल था लेकिन वो आसानी से मिल गई। हाँ गाइस पहली वाली ढूंढना काफी मुश्किल था क्योंकि इधर काफी सारे पेड़ है, तो इसलिए यार ढूंढना मुश्किल था लेकिन वही सबसे इजिली मिल गई। देखते हैं दूसरी गाड़ी इजिली मिलती है कि नहीं। फिलहाल तो भाई यहाँ पर काफी सारी कैंपिंग वाली कार्स तो है लेकिन कोई कैंपर, ये रहे कैंपर भाई साहब। हेलो कैंपर भाई साहब। अरे तुम क्या यहाँ पर कर रहे यार, ये कैंपिंग की गाड़ी थोड़ी ना है। मैं कैंपिंग करने नहीं आया हूँ, मैं इधर से गाड़ी उठाने आया हूँ। वो भाई बोट भी लेकर आए ये लोग तो। अरे यार छोड़ो ना इन्हें, तुम जाकर जल्दी से गाड़ी ढूंढो। गाड़ी कहाँ मिलेगी भाई, इन्हीं की गाड़ी उठा ले क्या? वो ये तो नहीं है जब दबी हुई? अरे वो मेरी गाड़ी है यार, ऐसी टूटी फूटी सी गाड़ी। भाई सब क्या क्या लेकर आए लोग, छाता वाता भी लेकर आए यार, तो ये क्या है? अरे यही तो नहीं है वो गाड़ी? अबे हाँ यही तो है यार। उत्तरी एक सेकंड गाइस जरा ये भी तो देखे कौन सी कंपनी की गाड़ी है। अबे भाई इसकी तो कुछ ज्यादा ही बुरी हालत हो रखी है यार। अरे हाँ इसे तो काला चुड़ैल बना रखा है। काला चुड़ैल, ये कौन सा कंपैरिजन हुआ? अरे ये मेरा स्टाइल है कंपैरिजन का। अबे भाई साहब मेरे अकॉर्डिंग इसका कलर बिल्कुल तेरे से मिलता जुलता है। क्या बोला बे तू? मैं मतलब तेरी पैंट और तेरे जूतों से मिलता जुलता है। हाँ तो ठीक है, तुझे क्या लगा था मैंने तेरी शक्ल से कहा? तेरा मुंह तोड़ दूंगा चौप के बच्चे, तू थोड़ा कम बोला कर। ये क्या भाई साहब, अब चल इसे निकाल तो। अरे रुक जा यार अंदाजा तो लगा देने दे ये कौन सी कंपनी की गाड़ी है। भाई साहब इसका तो बुरी हालत है गाइस, काफी समय दबी हुई है ये गाड़ी। इसके लेकिन पहिए हैं जो गाइस वो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं मेरे को, क्योंकि भाई गाड़ी देखो पूरी काली हो चुकी है भाई, जल के जंग वंग लग के, लेकिन पहिए देख रहे हैं तू पिंचन? अरे हाँ यार पहिए एकदम चमक रहे हैं। मेरे को लग रहा है गाइस इसके पहिए या तो एलॉय व्हील है या डायमंड वायमंड के व्हील है। अभी तो फटाफट से इसको बाहर निकालते हैं, अभी पता चल जाएगा कौन सी टाइप की गाड़ी है ये। सुपर कार ही लग रही है वैसे देखने में तो। अरे चलो यार निकालो निकालो अभी पता चलेगा। चलो गाइस इसको भी निकालते हैं, तुम लोग जाओ फटाफट से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब मारो यार चैनल को। ये किया अटैच। अरे आराम से यार। ठीक है ओके गाइस ये किया अटैच, इसको निकाला बाहर। ओ भाई गाड़ी तो एकदम गदर है गाइस, और सच में यार इसके
पहिए देखो, ओ तेरी क्या ही मस्त है यार। और ये रेड रेड कलर का क्या है? अरे यार रेड कलर का पेंट हो रखा पहियों के किनारे में। भाई गाड़ी तो गदर है गाइस, कुछ भी कहो गाड़ी तो ये वाली मस्त है। इसको रिपेयर करने के बाद तो मेरे को लग रहा है एकदम नेक्स्ट लेवल कार बनने वाली है। अरे भाई साहब कहाँ से निकाली गाड़ी है? तेर से मतलब। इसे गाइस इस गाड़ी को ले जाने में और भी ज्यादा हालत खराब होने वाली है लगता है, क्योंकि भाई हम लोग बहुत नीचे आ चुके हैं पहाड़ के। अभी पूरा पहाड़ चढ़ना भी है और फिर इसको पार भी करके आगे भी जाना है। हाय हाय कोई नहीं गाइस, कर लेंगे, इतनी मेहनत तक बनती है यार इतनी मस्त गाड़ी के लिए। ओके थोड़ा इजी 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 भाई, इजी रहना हम लोगों को। ओके कमोन कमोन, ये कहाँ अटक रही है अपनी गाड़ी? अरे संभाल के चला यार। संभाल के चला रहा हूँ मैं, अटैच से डी अटैच मत हो जाओ भाई, कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए भाई, कुछ भी हो जाए। अरे चलो यार तेज पकाओ। हाँ एक काम करता हूँ, बूस्ट देता हूँ, शायद बूस्ट से मैं काफी ज्यादा इजिली ले जा सकूँ इसे। हाँ गाइस तेरी पहाड़ के ऊपर आ चुका मैं। भाई साहब शिनचैन क्या बात है, तू पहले नहीं बता सकता था ये? अरे यार सॉरी यार, अब तो इस्तेमाल करो। ठीक है गाइस। अरे अरे टूट गया कनेक्शन। और यार इसका कुछ तो निकल गया, गाड़ी का कुछ तो निकल गया यार पीछे। अरे हाय हाय किस्मत खराब है अपनी यार। अरे यार छोड़ो अब कुछ भी निकल गया है यार, अब इस गाड़ी को ही लेकर चलते हैं। एक सेकंड देखना तो पड़ेगा यार क्या निकला। अच्छा ये निकला है भाई, खुद ही फिसल के आ गया वो तो। अरे ये तो बोनट लग रहा है। बोनट नहीं भाई, पीछे की डिक्की टाइप की है ये। छोड़ो गाइस एक काम करते हैं हम लोग, बस गाड़ी ले चलते हैं, इसको क्या ही ले जाए। अरे एक काम करो ना यार, इसे अपनी गाड़ी के ऊपर ही रख लेते हैं। और चल बे बस गाड़ी अपने संग चली जाए, वही बहुत बड़ी बात है। बोनट का हम लोग क्या करेंगे, बोनट तो हम लोग नया लगवा ही लेते हैं गाइस। वैसे वो बोनट नहीं है यार, उसे क्या बोलेंगे? अरे जो भी बोलेंगे यार, पहले इस गाड़ी को लेकर चलो यार कस्टम शॉप पे। हाँ गाइस सबसे पहले इस गाड़ी को कस्टम शॉप पर लेकर जाना पड़ेगा यार, फटाफट से गाइस इसको रिपेयर करवाना पड़ेगा और एकदम मस्त बनाना पड़ेगा। भाई आ रही है ना गाड़ी अपने पीछे? अरे मेरे को क्या पता। हाँ आ रही है गाइस, अभी फटाफट से गाइस अभी इस गाड़ी को लेकर निकलते हैं सीधे लॉस सैंटोस कस्टम शॉप। और भाई ये ट्रक अपने आउट ऑफ कंट्रोल क्यों जा रहा है यार? अरे मेरे को क्या पता। थोड़ा गाइस इसकी कंट्रोलिंग खराब हो गई है ट्रक की, लगता है पहाड़ चढ़ चढ़ के ये भी पागल हो गया है। कोई बात नहीं, थोड़ा रेस्ट दे देंगे इस ट्रक को। अरे अब चलो इसे लेकर। फिर कनेक्शन टूट गया। अरे हाय हाय भाई साहब, ये इस गाड़ी को तो ले जाने में गाइस मेरे को लग रहा है कहीं शाम ना हो जाए। अरे मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है। अरे हो जा कनेक्ट भाई वापस से, क्या उल्टी घसीटेंगे इस गाड़ी को। काफी ज्यादा मेहनत से गाइस फाइनली ये गाड़ी सीधी हुई है, और अब कुछ भी हो जाए गाइस अब कनेक्शन नहीं टूटने देंगे, अब तो डायरेक्ट लॉस सैंटोस कस्टम शॉप ही ले जाकर इसको रिपेयर करवाएंगे। अरे टूट गया यार, फिर से कनेक्शन टूट गया। अरे हाँ यार 50वीं बार भी टूट गया। हाँ यार 50वीं बार कनेक्शन टूट गया गाइस, वहां से लाते लाते हालत खराब हो गई इस गाड़ी को। अगर ये गाड़ी गाइस बढ़िया नहीं बनी ना, मैं खुद जला देने वाला हूँ इस गाड़ी को, वो भी अपने हाथों से। अरे हाँ यार सही कह रहे यार, दिमाग खराब करके रख दिया इस गाड़ी ने। भाई जब से गाड़ी लेकर आ रहे गाइस, कभी छूट जा रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है इस गाड़ी के संग। भाई बहुत ज्यादा अब दिमाग खराब हो गया, अगर ये गाड़ी रिपेयर हो गया एकदम मस्त नहीं बनी ना, मैं खुद जला देने वाला हूँ। अरे अब चलो यार इसको रिपेयर करवाते हैं। रिपेयर करवाने के लिए गाइस हम लोग को जाना पड़ेगा इधर नीचे, इस बार तो सही जा रहे हैं ना। हाँ 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 पिछली बार तो पता नहीं हम लोग कहाँ ही नाले में पहुंच गए थे गाइस, हम लोगों ने गलत टर्न ले लिया था, इस बार हाँ सही टर्न है। ये तो रहा लॉस सैंटोस कस्टम्स, इधर की साइड बनवाते हैं और देखते हैं गाइस अपनी गाड़ी कैसी जबरदस्त बनती है। अरे फिर इसको डी अटैच करना भूल गया मैं, इसको डी अटैच करते हैं। देखो गाइस ये मैं इस गाड़ी को उठाता हूँ ऊपर, उठ जा, और फिर इसको कर देते हैं डी अटैच। ये बढ़िया तरीके से। चलो भाई साहब अभी निकलते हैं, गाड़ी को करवाते हैं रिपेयर और फिर मिलते हैं गाइस। चलो गाइस गाड़ी लेकर चलते हैं। खोल दे भाई और गेट खोल दे भाई। अरे खोल दे, काली गाड़ी है मुझे पता है, लेकिन रिपेयर होके मस्त हो जाएगी। लेकर आ चुका हूँ मैं गाइस गाड़ी को, और इन लोगों ने रिपेयर तो कर दिया, और रिपेयर करने के बाद काला ही पेंट किया है। अरे सर कैसा पेंट करवाना है आपको? अबे तू हर बार यही पूछता है, तू ऐसा पेंट कर दे भाई जो किसी ने भी आज तक ना करवाया हो। इतना गंदा पेंट चाहते हैं आप? अबे मतलब इतना बढ़िया जो किसी ने करवाया ही ना हो। ठीक है सर एकदम बढ़िया करता हूँ मैं, आप टेंशन मत लीजिए। मैं टेंशन कभी लेता ही नहीं, तू एकदम अलग ही कलर का कर। ठीक है सर, ये रेड चलेगा? मैं भाई रेड, हाँ ठीक है। ओ ये कौन सा कलर है गाइस? लेकिन नहीं भाई वो अच्छा नहीं लग रहा। तो सर ये वाला क्या कह रहे हैं आपका? चल ब्रॉन्ज कलर नीचे मेरे को। तो ठीक है सर, मैं आपके लिए सबसे यूनिक कलर चुनता हूँ। ठीक है भाई चुन, सबसे यूनिक चलेगा लेकिन एकदम गदर होना चाहिए। तो सर ये देखिए, ये भी कोई कलर है? अरे सर पर्पल कलर है, कोई नहीं करवाता, अभी ने तो कहा सबसे यूनिक चाहिए। अबे यूनिक मांगा लेकिन थोड़ा ढंग का भी लगे। तो ठीक है सर रेड कलर करवाइए, सबसे ज्यादा बेहतरीन कलर है। ठीक है चलो, और सेकेंडरी कलर? सेकेंडरी कलर सर अभी करके देते हैं, आप रुकिए तो सही। ओके सेकेंडरी कलर में क्या कर रहा भाई? अरे देखिए तो सही। तो गाइस यहाँ पर जो गाड़ी एकदम ब्रांड न्यू बन के रेडी हो चुकी है, और क्या ही गदर लग रही है भाई ये गाड़ी। अरे यार तुमने क्या बनवा दिया यार इस गाड़ी को? मैं कह नहीं रहा था भाई ये एकदम नेक्स्ट लेवल गाड़ी बनने वाली है गाइस, और क्या ही रेड
ब्लड रेड कलर की, क्या ही मस्त गाड़ी लग रही है गाइस। और पहिए देखो भाई, इसके पहिए तो एकदम नेक्स्ट लेवल ही है। अरे अब चलो यार इसको घर लेकर चलते हैं। एक काम करो भाई, उस ट्रक को छोड़ दो, उस ट्रक को बाद में लेकर चले जाएंगे हम लोग साइमन के पास। पहले इस गाड़ी में आ जाओ भाई, तुम्हें सैर कराता हूँ गाड़ी की। अरे फैमिया चलो यार। सो गाइस अभी इस ब्लड रेड गाड़ी को लेकर चलते हैं यार अपने घर की तरफ। भाई क्या ही ब्लैक कलर का ऑल ब्लैक इंटीरियर है, और क्या ही गदर लग रही है भाई गाड़ी। भाई शिनचैन गाड़ी की तारीफ में दो शब्द क्या है। अरे यार क्या गाड़ी बनाई है तुमने, मजा आ गया यार। मैंने बनाई है? अरे मतलब क्या गाड़ी बनाई है यार उस कस्टम शॉप वाले ने, मजा आ गया यार। गाइस यार तुम लोग बताओ, अब चॉइस तुम्हारे ऊपर है कि तुम लोगों को सबसे बेस्ट गाड़ी कौन सी लगी, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली। अगर तुम लोगों को बढ़िया गाड़ी फर्स्ट वाली लगी है तो कमेंट में लिख देना 1, और अगर तुम लोगों की ये सेकंड वाली बढ़िया लगी है तो कमेंट में लिख देना 2। अरे यार मेरे को तो दोनों ही बढ़िया लगी इसलिए 12। अबे तू अलग ही है भाई साहब, कल मेरे को तो दोनों दो बार बढ़िया लगी है इसलिए 12 और 12 1212। अबे यार तुम लोग कमाल कर देते हो यार, एक बताओ कौन सी बढ़िया है। अरे मेरे अकॉर्डिंग सेकंड। भाई साहब मेरे को तो भाई सेकंड बढ़िया लगी है। पिंचन भाई। अरे मेरे को फर्स्ट। मेरे को तो गाइस दोनों ही बढ़िया लगी है। अरे अब क्या हुआ, आपकी खुद दोनों बता रहे हो। ठीक है मेरे को अभी फर्स्ट वाली लगी है। फिलहाल गाइस तुम लोगों को क्या ओपिनियन है, कौन सी गाड़ी बढ़िया लगी है कमेंट में बताओ, 1 2 लिख कर बता देना, और गाइस वीडियो को भी 30,000 लाइक तक पहुँचा देना। फिलहाल तो गाइस हम लोग पहुँचने वाले है अपने घर की तरफ। अरे चलो चलो यार, अब तो हमारे कलेक्शन में दो दो गाड़ियां हो गई। हाँ गाइस ये दो गाड़ियां आज भी शामिल कर लिए हैं, और आज की भी गाड़ियां गाइस गदर गदर है। क्रैश तो नहीं आया ना? नहीं, ज्यादा स्क्रैच नहीं आया। ओ भाई वो वाला बंदा भी रेड बाइक लेके चल रहा है। चलो गाइस आ ही गए हम लोग फाइनली। वैसे भाई दोनों गाड़ियां भाई जंगल में एकदम अजीबोगरीब तरीके से दबी पड़ी थी, बट फाइनली गाइस हम लोगों ने उस वाले टो ट्रक की हेल्प से निकाल ही लिया इन दोनों गाड़ियों को। अरे पहली वाली गाड़ी कहाँ है? पहली वाली गाड़ी वो तो रही गैरेज के अंदर, और ये आ गई गाइस दूसरी वाली गाड़ी। ओ भाई दोनों गाड़ी क्या ही कलर लग रही है। फिलहाल गाइस तुम लोगों को आज की ये वाली वीडियो बढ़िया लगे तो फटाफट से जाकर गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करके यार सो नोटिफिकेशन ऑन कर देना। कमेंट में जरूर बताना यार कौन सी गाड़ी बेस्ट लगी, 1 या फिर 2, और वीडियो को भी गाइस 30,000 लाइक तक जरूर पहुंचा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस अरे गुड बाय। चलो चलो भाई शेयर करते हैं दोनों गाड़ियों की, मजा आएगा।